just got my sauce back. So way out my mother loving mine, I think I lost that. Now let's go. सारे भाइयों ने, मैं थारा भाई निखिल। आज मैंने एक नया यूट्यूब चैनल चालू करा द माइटी शेफर्ड करके। ये चैनल हमारे रोकी का है, रोकी काम रोकी जर्मन शेफर्ड प्योर ब्रीड 20 पंजे का कुत्ता हमारा, 2 महीने का हो चुका है। इस यूट्यूब चैनल में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, ट्रिक सिखाएंगे, कैसे कुत्ते को रखते हैं उसको समझाते हैं, पोटी ट्रेनिंग या हर चीज़ कुत्ते से रिलेटेड हम आपको बताएंगे। कब कब वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्या क्या देना चाहिए, कैसे वो तंदुरुस्त रहेगा और सारी चीज़ें हम आपको इस ब्लॉग में अपने यूट्यूब चैनल पे सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देंगे। बाकी इसकी फ़ोटोज़ के लिए और चीज़ों के लिए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जुड़ सकते हो आप, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। बाकी आज की वीडियो चालू करते हैं। आप सब भाइयों से एक ही बात है कि इस यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत सारा प्यार दें, सारे भाई हमारी वीडियो को शेयर करें। जैसे कि मैं आज आपको बताऊंगा कि हम अपने रोकी को क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। सबसे पहले तो हम इसको एक जिप फिट करके मल्टी विटामिन दे रहे हैं। बाकी मैं एक चीज़ आप लोगों को पहले बता दूं, ये जितने भी मल्टी विटामिन कैल्शियम या कुछ भी है ये सब छोटे बच्चों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। बाकी अगर आप कोई दिक्कत हो, आपका बच्चा कमज़ोर हो, पपी कमज़ोर हो, तो आप डॉक्टर से पूछ के जब ही दे सकते। लीवर टॉनिक वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं होती छोटे बच्चे को, ये सिर्फ बड़े को जरूरत होती है। बाकी छोटे बच्चे या किसी भी डॉग में सबसे ज़रूरी होती है डीवॉर्मिंग करना सबसे ज़रूरी काम है। यही लोग गलतियाँ करते हैं, इसकी वजह से उनका कुत्ता घास खाता है, पेट में उसके कीड़े बन जाते हैं और पपीस अपनी पोटी खा लेते हैं, मिट्टी खा लेते हैं, लकड़ी खा लेते हैं। ये सब निशानी है कि उनके पेट में कीड़े हो चुके हैं, वॉर्म्स हो चुके हैं। इसलिए डीवॉर्मिंग हमें टाइम पे करती रहनी चाहिए। डीवॉर्मिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कुत्तों में, किसी भी मल्टी विटामिन और सप्लीमेंट से ज़्यादा। हम ड्रोनटल कंपनी के भी यूज़ कर रहे हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है और उसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। देखो डीवॉर्मिंग के बारे में कुछ भी जानना है या उसके ऊपर आपको एक अलग से वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, एक नेक्स्ट वीडियो हम डीवॉर्मिंग पर भी बना देंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला मल्टी विटामिन है जिप फिट। ये मल्टी विटामिन है, इससे इसकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसमें बहुत सारे मल्टी विटामिन्स हैं और कई तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ में हेल्प होती है, बीमारियाँ कम लगती है इससे। ये हम दिन में एक बार दे रहे हैं इसको। बाकी ये कैल्शियम है, कैल्शियम इनकी हड्डियों को मजबूत करता है और इनको स्ट्रॉन्ग करता है, ये भी हम दिन में एक बार दे रहे हैं। ये सब जितने भी मल्टी विटामिन हैं ये भी इनके वेट के हिसाब से होते हैं, पर वेट 1 ml देते हैं हम इनको। आगे अगर कोई भी ट्रिक सिखाते हैं तो हम उसके लिए हम इसको ट्रीट देते हैं, जैसे हमने पेडिग्री कंपनी की ट्रीट ला रखी है, ऐसे हम इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और जब भी हम उसको बुलाना हो या कोई भी ट्रिक सिखानी हो उसके लिए हम ये ट्रीट इस्तेमाल करते हैं। रॉकी 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 सिट, ऐसे ट्रीट देने से ये हमारी सारी बात मानते हैं और सारे रूल्स फॉलो करते हैं अपने मालिक के। बाकी चलो अब हम आपको इसकी मील नंबर 1 बताते हैं। सारे भाई गलती करते हैं कि अपने छोटे पपी को भैंस का दूध पिला देते हैं, गाय का दूध पिला देते हैं, उससे इनको दिक्कत हो जाती है, इनको हजम नहीं होता, उल्टी लग जाती है, दस्त लग जाते हैं, उनके लिए अच्छा नहीं होता। बचपन में इसको दूध देना बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर भी बताते हैं, हम लोग भी रिकमेंड करते हैं सेमोलेक पाउडर है, और भी कंपनियों का पाउडर है मगर सेमोलेक बढ़िया पाउडर है, एक अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। ये दे दो, ये बहुत बढ़िया है, दूध जैसा काम करेगा, वे प्रोटीन होता है इसमें। चलो आज की वीडियो तो यही ख़त्म होती है, मगर आपको जो भी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए हो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा काम पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे सारे भाइयों से एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलो फिर मिलते हैं। Let's go.